Hello friends, this is Clarissa from Clarissa's Creation और festival special एक और item हम आज लेके आए आपके साथ। यहाँ आप देख रहे हो soft खजूर, ये कीमिया खजूर है। seedless भी आते हैं, seeds के साथ भी आते हैं। हमें इसके seeds निकाल कर इसे पीसना है। तो ये मैंने करीबन 10 से 12 लिए हैं और यहाँ पर मैंने हल्का बादाम रोस्ट होने रख दिया है लो फ्लेम पे। इसे हम रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसे पीस लेंगे। तो बादाम मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं, इसे अच्छे से भून लेंगे हम। इसे कलर चेंज नहीं करना है। तभी एक रेसिपी के लिए हमने बादाम पीसे थे, इसमें फिर से हम वही कर रहे हैं। तो फिर से हम बादाम पीस रहे हैं, इसलिए हमने जार को वॉश नहीं किया है। इसे दरदरा पीसेंगे, मतलब दरदरा इन सेंस मतलब आपको पल्स में पीसना है और इसे स्ट्रेन करना है इस तरह से। तो ये देखिए, अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। और ये जो दरदरा पार्ट है वो फिर से हम नहीं स्ट्रेन करेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसका हमें बाद में यूजफुल होगा ये स्वीट बनाने के लिए। हम बना रहे हैं डेट एंड आलमंड चॉकलेट रोल। तो यही सेम जार में मैं ये डेट्स को डाल रही, सीड्स निकाल दिया है एंड साथ ही में जो हमने अभी ये सीव किया है वो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब ये जो दरदरा था वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और इसके मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और जितने साइज के आपको इसका बॉल चाहिए वो आप बनाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लोगे इस तरह से, सिलेंड्रिकल शेप में आप बनाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये सब मैं बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये शेप में मुझे चाहिए। तो ये हमारे इतने डेट्स एंड इतने आलमंड के साथ अराउंड 12 शेप्स के ये बने हुए हैं, रोल्स बने हुए हैं। आप बॉल्स भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। तो चॉकलेट को कट कर लेंगे। मैं डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हो जो फ्लेवर आपको देना है। तो मैं इसे कट करके फिर डबल बॉयलर मेथड में इसे बॉईल करने रख दूंगी। तो अभी फिलहाल मैंने वही पैन लिया है और उसमें पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और ये जो मेरा छोटा सा टोप है वो इसमें रख दूंगी ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो अभी आपको एक कर्डल दिख रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे आप मिक्स करोगे इसमें ये मेल्ट होगा, क्योंकि तपेला बहुत गर्म है और साथ ही में ये जो हमारी चॉकलेट है वो भी ग्लॉसी हो जाएगी। तो इसे कंटिन्यूसली हमें इस तरह से ये घुमाते घुमाते चलाते चलाते इसे मेल्ट करना है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं होता है तो फिर से आप तपेले में रख सकते हो, क्योंकि आपका जो पैन हो या तपेला हो या कोई भी डबल बॉयलर हो वो गर्म पानी उसमें ऑलरेडी रहता है, तो आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी इसमें चंक्स दिख रहे हैं। देखिए कितना ग्लॉसी हो गया है ये, इस तरह से फेटते फेटते। मैं इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला रही हूँ, ज़्यादा वार्म पे नहीं हम करेंगे। तो एक ट्रे में मैंने बटर पेपर रख दिया है ताकि हम ये जो कोट करके चॉकलेट इसमें रखेंगे इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में डालने वाले। तो एक एक हम उठाएंगे और इस तरह डिप कर लेंगे।
अच्छे से चॉकलेट में डिप करेंगे और इसे इस तरह से प्लेस कर लेंगे। तो मैं सारे इसी तरह से कोट करके इसे फ्रिज में रख देती हूँ। ये हमने इसे सेट कर दिया। अब जो बची हुई चॉकलेट है उसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ इस तरह से, और उसके ऊपर लाइनिंग ड्रिप कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। आप देखिए इस तरह से हम इस तरह से लाइंस कर लेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ठंडा है और ये चॉकलेट है तुरंत सेट हो जाएगा। और ये बहुत सुंदर दिखने वाला है, ये देखिए। तो हम इस तरह से उठाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो चॉकलेट बची हुई है ऐसा डिप करेंगे एक साइड से, और दूसरे साइड से भी थोड़ा सा डिप कर लेंगे। और ये जो दरदरा हमारा जो बादाम का पीसेस थे वो इस तरह से इस पे कोट कर लेंगे, तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से हम रख देंगे। तो ये देखिए हमारे डेट एंड आलमंड रोल्स रेडी है, चॉकलेट रोल्स। आपको दिखा देती हूँ एकदम पास से, एक उठाकर। ये देखिए कितने प्रिटी दिख रहे हैं ये, इसकी डिजाइनिंग देखिए। एंड आजू बाजू इसके जो हमने बादाम का जो मोटा पार्ट दरदरा था वो, अब इसे आप फ्रिज में रख सकते हो 10 से 15 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके, एंड अच्छे से खा सकते हो। आई होप आपको ये यूजफुल रहेगा आपके वीस फेस्टिवल सीजन के लिए। हमें कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसे लगी रेसिपी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।